महामारी के कम होते ही राजनीति शुरू हो गई है। राजनेता हैं तो राजनीति करेंगे ही। जानेंगे कैसे महामारी के कम होते ही राजनेताओं की सियासी यात्रा शुरू हो गई है। जेपी नड्डा और राहुल गांधी केरल में हैं, तो वहीं अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड चुनाव को लेकर अपने सीएम कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि कैसे समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने तालिबान का समर्थन किया है। नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज रूम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। केरल के कोझिकोड में पार्टी के जिला कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोविड प्रबंधन को लेकर केरल सरकार की जमकर आलोचना की और कहा कि वामपंथी सरकार जिस केरल मॉडल की दुहाई दे रही है वह दरअसल उसके कुप्रबंधन का मॉडल है। उन्होंने कहा कि आज कहाँ है वह मॉडल, क्या गलती हुई जो औसतन 20,000 संक्रमण के मामले रोज आ रहे हैं। आज भी 1,00,000 से अधिक संक्रमण के मामले हैं केरल में। यह कोविड प्रबंधन नहीं है बल्कि कुप्रबंधन है। यह केरल मॉडल नहीं है बल्कि कुप्रबंधन का मॉडल है। उन्होंने दावा किया कि केरल में कोविड-19 की 70% से अधिक एंटीजन जांच की गई है, जबकि जांच का सबसे बेहतर तरीका RT-PCR है। उन्होंने कहा कि कोविड प्रबंधन में सरकार को जो अति सक्रिय भूमिका निभानी थी, जो केरल सरकार वामपंथी नहीं निभा पाई है। उन्होंने कहा कि केरल की जनसंख्या 3.58 करोड़ है और यहां 38,00,000 कोविड मामले सामने आ चुके हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 22.9 करोड़ जनसंख्या है पर 17,00,000 कोविड मामले सामने आए हैं। आपको यह जानना चाहिए कि जो देश में कोरोना के रोज नए मामले आ रहे हैं उनमें केरल से लगभग 50% नए मामले रहते हैं। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर्रहमान बर्क ने तालिबान का समर्थन कर दिया है। इसमें उन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान पर कब्जे की तुलना भारत में ब्रिटिश राज्य से कर दी है। सपा सांसद ने विवादित बयान देते हुए कहा कि हिंदुस्तान में जब अंग्रेजों का शासन था और हमने उन्हें हटाने के लिए संघर्ष किया, ठीक उसी तरह से तालिबान ने भी अपने देश को आज़ाद किया है। बर्क यही नहीं रुके, उन्होंने लगातार तालिबान की तारीफ करते हुए कहा कि तालिबान एक ऐसी ताकत है जिसने रूस और अमेरिका जैसी मजबूत देशों को भी अपने यहाँ बसने नहीं दिया। आपको बता दें कि तालिबान ने अफगानिस्तान में पूरी तरह से कब्जा जमा लिया है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग चुके हैं। आपको ये भी जानना चाहिए कि अफगानिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है, तमाम नागरिक देश छोड़कर जाना चाहते हैं। तालिबान अफगानिस्तान के संवैधानिक संस्थाओं पर भी कब्जा कर चुका है। हम तो स्टेज देखते हैं कि हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी अब अमेरिका ने कब्जा कर रखा, पहले रशिया में था, फिर जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते। ये तो उनका पर्सनल मामला है, इसमें हम क्या दखल देंगे। कट्टरपंथी सोच है वो तालिबान, वो अपने देश को आज़ाद करने के लिए तालिबान के ज़रिए से, और तालिबान एक ताकत है और वो उसने अमेरिका को पाँव नहीं जमने दिए, रशिया के नहीं जमने दिए, जब भी कोई किसी, तो बहरहाल वो अपने देश को खुद चलाना चाहते, अपने तौर पर चलाना चाहते। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से कर्नल अजय कोठियाल मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि लोगों ने कहा है कि अब हम नेता नहीं चाहते हैं, अब हमें एक देशभक्त फौजी चाहिए, हमें ऐसा शख्स चाहिए जो अपना घर भरने की बजाय उत्तराखंड के लोगों के बारे में, यहाँ के विकास के बारे में और माँ भारती के बारे में सोचे। बहुत बड़े स्तर पर लोगों ने कहा कि अब नेताओं और पार्टियों के भरोसे उत्तराखंड आगे नहीं बढ़ सकता है। अजय कोठियाल साहब को आम आदमी पार्टी का सीएम कैंडिडेट बनाया जाए। अजय कोठियाल साहब वो शख्स हैं जिन्होंने फौज में रहके देश की सेवा की, अपनी जान की बाजी लगा के आतंकवादियों का सामना किया, अपनी जान की बाजी लगा के इन्होंने पाकिस्तान का सामना किया, इन्होंने देश के दुश्मनों का सामना किया। आज भी दो गोलियां इनके शरीर के अंदर हैं,
उन दो गोलियों को ये साथ लेके घूमते हैं। जब उत्तराखंड के वो चंद नेता उत्तराखंड को लूट रहे थे, देवभूमि को लूट रहे थे, तब ये शख्स बॉर्डर के ऊपर हमारे देश की सुरक्षा में लगा हुआ था। तो उत्तराखंड के लोगों को ऐसे देशभक्त की जरूरत है जो अपनी जान की परवाह किए बिना तन मन धन सब कुछ लगा के उत्तराखंड के विकास के बारे में सोच सके। कुछ साल पहले केदारनाथ पे आपदा आई थी, केदारनाथ को काफी क्षति हुई थी। एक बार तो ऐसे लग रहा था जैसे कैसे इसको ठीक किया जाएगा, तब इस शख्स ने अपनी टीम के साथ मिलकर केदारनाथ का पुनर्निर्माण किया था, केदारनाथ को ठीक किया था। इन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर केदारनाथ का पुनर्निर्माण किया था और अब ये उत्तराखंड के नव निर्माण करने का, उत्तराखंड के नव निर्माण करने का इन्होंने बीड़ा उठाया। जहां चाह वहां रहा। हर आदमी के दिमाग में लगातार नया आइडिया आते रहता है, लेकिन सफलता उसी को मिलती है जो उस आइडिया को अपने जीवन में उतारे। ऐसा ही ओडिशा के गंजम जिले के रहने वाले 18 साल के दिलीप महाराणा ने किया है। दिलीप महाराणा ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर का एक लघु संस्करण बनाया है, वह भी लकड़ी का। आप भी देखिए इसकी खूबसूरती और फिनिशिंग को और सुनिए आखिर दिलीप महाराणा ने क्या कहा। जगन्नाथ मंदिर का एक पूरा रेप्लिका बनाया हूँ लकड़ी से। इसके हाइट है 5.5 इंच, लेंथ है 12 इंच और विड्थ है 9 इंच। इसके अंदर 10 से ज्यादा छोटे छोटे मंदिर भी है, जैसे कि बिमला का मंदिर, सूर्यदेव का मंदिर, गणेश जी का मंदिर, महालक्ष्मी का मंदिर और आड़प मंडप, स्नान मंडप। चार द्वार है इसमें, चार सिंह द्वार, हस्ती द्वार, अश्व द्वार और व्याघ्र द्वार भी है इसके अंदर। और इसे बनाने के लिए मुझे 1.5 महीने से ज़्यादा समय लगाया हूँ इसे बनाने के लिए। ये मंदिर मैंने बनाने के बाद मैंने सोचा कि इसका दो रेप्लिका मैंने बनाया हूँ। एक हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैंने देने के लिए सोचा हूँ। मोदी जी ने इलेक्शन कैंपेनिंग भी हमारे पूरी जिले में से स्टार्ट किया था और उनको देना मैंने एक मंदिर चाहता। और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उनको एक गिफ्ट देने के लिए मैंने तय किया हूँ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।